तो फ्रेंड्स स्कूल का टाइम हो गया, अभी रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कल मेरा यूपीएससी का एग्जाम है, टेस्ट और मौसम की बात करें तो मौसम वैसी है, बादल लगे हुए हैं, कभी भी वर्षा आने की संभावना है। वर्षा और अब करते हैं सफाई, झाड़ू पोछा। गाइस कमेंट करके बताइए, इसका तीत हो गया 2 महीने, टूटे हुए अभी तक नहीं आया है। 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने हो गए। मैडम को हो गया ऑफिस का टाइम, बाय, निकल रहे हैं ऑफिस। आज मैं ड्रॉप करने जा रहा, खुद जाएंगी। अबे ये फट्टा कौन फेंक जाता है कूड़े का बड़े, यहाँ लोगों की बदतमीजी है भी यार। खाली ग्राउंड देखते हैं लोग कुछ ना कुछ ना फेंकते रहते हैं। डंडी का डंडी डंडी खा, डंडी चलो 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 चल। देखो कूड़ा कबाड़ लोग कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं खाली ग्राउंड देख के। और एक डॉगी है बाहर, इसका मैंने देखा कट पड़ा हुआ बहुत तगड़ा, उसको भी दवाई डालनी पड़ेगी, बहुत बड़ा कट पड़ा हुआ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, कट है बढ़ गया, बढ़ गया डालता कोई इसकी। गाली कैसे लगा इसकी? तो फ्रेंड अंजू भी फाइनली ऑफिस चली गई, आज मैंने ड्रॉप नहीं किया, आज खुद से ऑफिस गई है। तो अब मैं भी अपना काम स्टार्ट करता हूँ कि 1 बजे मुझे बच्चे को पिक करना है, काफी पेंडिंग काम भी हो गया है। तो पहले एक काम निपटा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। देहरादून का मौसम, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अब देखो आप घने काले बादल आ गए, तो उस तरफ थोड़ा सा ब्राइट है, अभी इधर तो पूरे बादल आ गए हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। मौसम ठंडा है, अच्छा है, लेकिन यह है कि बारिश से भी कई काम बाहर भी हो नहीं पाते, लेकिन मौसम इस बार बहुत अच्छा है और गर्मी लगभग पड़ी ही नहीं है। मैं तो अपना काम कर रहा था तो मैंने ईयरफोन भी लगा रखे थे, सॉन्ग साथ में चल रहे थे, ईयरफोन लगा रखे थे, कुछ शीट अपडेट कर रहा था। सडनली मैंने सुना कि सडनली बहुत तेज तेज हवा की आवाज आई, तो जो है देहरादून का मौसम ऐसे ही है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब देहरादून में क्या हो जाए मौसम के साथ, आपको कुछ नहीं पता। अभी तक बिल्कुल अच्छी धूप थी, तो आज लग रहा था कि बारिश होगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बारिश का मौसम पूरा बन चुका है। और मेन बात है कि बच्चों को स्कूल का टाइम हो गया है, अब तो भी लगता है आज भी ऐसे ना पड़ेगा बारिश में ही। मैं फटाफट से काम निपटाता हूँ, थोड़ा बचा है बस, फिर चलते हैं हम पिक करने। ओ माय गॉड, बाहर का दरवाजा खुल गया पूरा, क्या करें यार, समझ नहीं थी बस सामान रखा था पीछे, क्या हवाएं चल रही पीछे, मेरे पीछे देखो पूरी हवा चल रही है। और जिनको देहरादून के बारे में पता होगा तो देखा होगा मेन सिटी में अब क्या हाल हो गया है, लगभग दिल्ली बनते जा रहा है, मेट्रो सिटी कोई बनते जा रहा है, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग, सड़कें, पोल्यूशन और बरसात में पानी भरना, भीड़, ट्रैफिक सब हो गया है। तो अभी आउटस्कर्ट में थोड़ा बहुत देहरादून की जिंदगी बची भी, थोड़ा पहाड़ों के पास है, खेत है, हरियाली है, तो ये भी एक कारण है कि शहर से थोड़ा दूर रहे। तो फ्रेंड्स मूसलाधार बारिश जो बोलते हैं ना हिंदी में, वो शुरू हो चुकी है, बहुत तेज बारिश। अभी 1 घंटे पहले धूप थी अच्छी खासी और इतनी तेज बारिश हो गई और कितनी गलत टाइम पे हुई है, बारिश तो कोई बात नहीं, लेकिन पीहू टुकू को मुझे पिक करने जाना था, उनके टाइम हो गया है स्कूल का, अब कैसे जाएंगे पता नहीं, देखते हैं। बारिश देखो एक बार, पिक देखो, ला मिल्क बैग दे, नहीं टाइम है पेन। बारिश तो अभी भी लगी हुई है, रिमझिम रिमझिम यानी कि ड्रिजलिंग अभी हो रही है, दोनों ये पीछे आ रहे हैं। आओ आओ किसका डाल, पहले हाथ डाल।
घर पहुंच गए ट्यूशन। यार शाम के बजे 5, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है, ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। और अभी वेदर कुछ ऐसा कि देखो, सुबह थी बारिश थी तगड़ी और अब आ गई ये चमचमाती हुई धूप। तो ये देहरादून के वेदर ऐसी है। तो अभी लोग सो रहे हैं, थोड़ा घर भी थोड़ा मेस्ड अप है, वो रखा है अभी दिन में जब लोग आए थे, बच्चे आए थे, बारिश आई थी, वो भी ठीक करेंगे। और बन रही मेरी चाय, थोड़ा चाय ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा काम बाकी है लगभग लगभग एक घंटे का। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से और अब पी रहे हैं हम चाय, हम मियाँ बीवी पी रहे हैं चाय। और चीकू मुझे वहाँ पे मिल गई थी रास्ते में और मेरे पीछे पीछे भाग कर आई और चेरी यहाँ बैठी हुई है और बाकी दोनों गए हैं खेलने पीयू और डुगो। दोनों बच्चे मन के सच्चे हैं। तो कैसा लग रहा है बगैर हमारे? अच्छा लग रहा है। गाइस 13 जुलाई को मेरा बर्थडे आ रहा है, आप सब इनवाइटेड। हमारे छोटे साले की सगाई, सालगिरह एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। और अब करते हैं चेंज। बोबो क्या व्यू आ रहा है यार, क्या मस्त व्यू है गाइस देखो। और अब चाय पीने आ रखे हैं छत पे। देखो ये डॉगी ना, अरे चीकू देखो वहाँ जाके बैठी उनके घर में, दिख रहा है से? दिख रहा है ना बोरी, वो देखो ये री चीकू वहीं से बैठ के पूछ हिला रही पर आ नहीं रही। तो फ्रेंड्स मैं आपको, अब संडे छुट्टी है मेरी, तो मैं संडे को आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी शिफ्टिंग में, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो संडे को पक्का कि शायद नीतू है, हाँ नीतू थे, हाँ वो देखो वो आ रही नीतू वहाँ से घूमने, वही फ्रेंड जिनके बारे में मैं भी बात कर रही थी। फ्रेंड्स अभी फिलहाल अभी हमारा डिनर होने वाला है और डुगो मैंने पढ़ाई कर ली है, लोग पीछे देख रहे पोकेमॉन और मम्मी फिलहाल अभी हिमालय खाने। और आपको अगर पसंद है सॉस तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यह डिस्कशन चल रहा है डॉगीज का और हमारी महारानी यहाँ सो रही है, चल रहा है चेरी का फोटोशूट। ये देखो ये फोटोग्राफर और वो बैठ के ही खाते हैं, हमारा नीचे बैठ के ही छंद आता है खाने का, है ना? इसलिए मुझे नीचे बैठने से छंद नहीं आता। कभी देखा बस में आते हैं? हाँ देखा है। तेरा तुम्हारा लगता है, लाइट बंद कर दो। चीकू को जब भी डांट पड़ती है ना चेरी को, वो मेरे पास आती है, वो चुट्टी पुट्टी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और डिनर हो चुका है और अब सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है जल्दी, काम निपटाने पड़ते हैं। और संडे को हम कहीं जाएंगे? जी नहीं, आज के ब्लॉग को फिर यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में।